कोलाबा बांद्रा सीप्स ठाणे नगर निगम की नई। मुंबई की पहली भूमिगत परियोजना कफ परेड से सीप्स तक जाने वाली ये कुल 33.5 किलोमीटर लंबी मुंबई की सबसे बड़ी भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो 3 के आरंभ से बीकेसी तक के चरण का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से किया जा रहा है। ठाणे की परियोजनाओं का मुख्य हेतु अंजना शांताराम फुकाणे लाड़क्या भावांनी आणि लाड़क्या बहिणींनी आपल्या लाड़क्या बहिणींसाठी जोरदार एकदा टाळ्या। मुंबई एमआरआर और महाराष्ट्र के विकास की ये सुपर फास्ट स्पीड आज का दिन महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक दे रहा है। आज महायुति सरकार ने मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है, इसलिए ये मेट्रो एक तरह से भारत जापान मित्रता की भी प्रतीक है। हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में द्वितीय श्वेत क्रांति चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9,200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे।